हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं मीठे चिल्ले बना रही हूँ। ये मैं सूजी और मैदे से बना रही हूँ फ्रेंड्स, और ये बहुत ही टेस्ट बनते हैं। और जब भी मन करे आप इसे झटपट से बना सकते हो। इसको बनाने के लिए खाली 5 मिनट का ही समय लगता है, और बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई को, और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मीठे चिल्ले बनाने के लिए फ्रेंड्स, एक बाउल में सबसे पहले हम सूजी लेंगे, और अब हम इसमें मैदा लेंगे, और साथ ही में हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें शुगर सिरप ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और मीठा फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से रखिए, आपको जितना पसंद है, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। अब हम इसे मिला के इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। और इसके अलावा मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। और इसे मिला के हम इसका एक बैटर रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें शुगर सिरप यूज़ किया था। अगर आप शुगर पाउडर यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा दूध या फिर आप उसकी जगह थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हो। और इसका एक घोल बनाकर इसका जो हम बैटर रेडी करेंगे वो हम थोड़ा सा पतला रेडी करेंगे, क्योंकि जो सूजी है वो थोड़ी सी फूल जाती है। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। पंद्रह मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, सूजी अच्छे से फूल चुकी है और हमारा एकदम से परफेक्ट बैटर रेडी हो चुका है। अगर आपको ये बैटर गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हो। अब हम तवे या फ्राई पैन को गर्म कर लेंगे, और इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अब हमने जो बैटर रेडी किया है हम उसको इसके ऊपर डाल देंगे, और इसे हल्के हाथों से फैला देंगे। फ्रेंड्स देखिए, हम इसे इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब हम इसके चारों तरफ हल्का हल्का सा घी लगा लेंगे, और इसको हम पलट देंगे। चिल्ले के इस तरफ भी हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। इसे हम एक बार फिर से पलट देंगे। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स कितना बढ़िया मीठा चिल्ला बनके तैयार हुआ है, और बच्चे इसको बहुत ही शौक से खाते हैं। आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अपने रिव्यूज़ भी मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। और कुछ भी पूछना चाहते हो इस रेसिपी के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मीठे चिल्ले खाने के लिए तैयार हैं फ्रेंड्स। आप इसे खीर के साथ में सर्व कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और इसी तरह से हम बाकी बचे हुए चिल्लों को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। थैंक यू फ्रेंड्स।